मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। धन्यवाद। महिपाल जी बाबा। अरे चाय ले बेटा जल्दी, प्रिंसिपल साहब आ गए। प्रणाम सर। देखिए प्रिंसिपल साहब, बात को इधर उधर घुमाने के बजाय मैं सीधा मुद्दे की बात करता हूं। भीमराव को फेल होना पड़ेगा। चाहता तो मैं भी यही हूं, लेकिन कैसे करूं? ये देख रहे हैं आप प्रिंसिपल साहब, बस यही करना है। एक भरे हुए कप को हटाकर उसी के जैसे एक खाली कप को रखना है। बस भीमराव फेल। मतलब? अरे प्रिंसिपल साहब, आप तो कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, आपको क्या समझाऊं मैं। देखिए, मेरा कहने का मतलब यह था कि समझ गए। लीजिए लीजिए, चाय पीजिए। कल ऐसा ही होगा। अब चाहे जितना पढ़ ले भीमराव, कल उसकी किस्मत बदल देंगे। रमा, जब पति सपनों के और जुनून के पीछे भाग रहा होता है ना, तब पत्नी दूर रहकर उन जुनून और सपनों की कीमत चुका रही होती है। तुम भी बस वही कीमत चुका रही हो और तुम्हें आगे भी चुकानी पड़ेगी। थोड़ा सह लो, बस एक बार ये परीक्षा खत्म हो जाने दो, फिर मैं तुम्हारे साथ एक पूरा दिन और पूरी रात पूरा बंबई शहर घूमूंगा। पक्का? सच में? पूरे शहर का तो पता नहीं, मगर मेरी ना एक इच्छा है कि हम साथ में दरिया किनारे जाए घूमने और वहां बैठकर ढलता हुआ सूरज देखे। मैंने सुना है ढलता हुआ सूरज बहुत खूबसूरत दिखता है, मैं आपके साथ बैठकर देखना चाहती हूँ। जरूर जाएंगे। आप खा लीजिए खाना। हितेश भाव, कहाँ चले गए सब सुबह सुबह? पूरा घर खाली हुआ है। कैसे गैर जिम्मेदार लोग हैं सबके सब, है? कौनो को तुम्हारी चिंता ही नहीं है। अब देख लो, बिना बताए ही सबके सब निकल लिए। जोखू, तुम्हें हमारी कितनी चिंता होते जो उन्हें सुना रहे हो? बेमतलब बात का बतंगड़ मत बनाओ। ए, चुप तैना, अपन काम कर। जा कपड़ा उपड़ा लेके आ। हमका ना समझा। समझा कौन रहा है तुम्हें? हम तो खाली ही कर रहे हैं कि जब आपन घर नहीं संभल रहा है तो कम से कम दूसरे का घर तो मत तोड़ो।
अरे ये सब कहां से आ रहे हैं? सुबह सुबह चले गए थे हितेश, मन बुद्धि हो क्या? ये लोग भीम के कॉलेज गए होंगे उसे कपड़े और चाय देने। अजीब नौटंकी इन लोगों की। जनार्दन भाव, जीवन में ना कम से कम एक पौधा सबको लगाना चाहिए ताकि समझ में आए कि किसी बढ़ती हुई चीज के प्रति प्रेम कैसे निभाना चाहिए। ये सब भीम से प्रेम करते हैं, भीम विकास कर रहा है और ये सब मिलकर उसका ख्याल रख रहे हैं। रमा, बाला और करुणा कहाँ है? करुणा दीदी दूध लाने गई है और बाला भैया पता नहीं कहाँ गए। तुम लोगों को पता हो या ना हो पर मुझे पता है। एक भरे हुए कप को हटाकर उसी के जैसे एक खाली कप को रखना है। सर हो गया। भीम की हैंडराइटिंग से मिल रही है। सेम टू सेम। तुम जाओ। भीमराव, आज परीक्षा में तुम चाहे जो भी लिखो, तुम्हारी हैंडराइटिंग में लिखी गई ये उत्तर पत्रिका तुम्हारी लिखी गई उत्तर पत्रिका की जगह डाल दी जाएगी और फेल होंगे तुम। अब फेल होने से तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा। सर क्या मैं अंदर आ सकता हूं? आइए जी, बताइए। सर ज्योतिबा फूले संस्थान से ये कॉलेज के नाम एक चिट्ठी आई है। सर इसमें उन्होंने आज्ञा मांगी है कि ग्रेजुएशन का परिणाम आने पर भीमराव के पास होने का वे जो महोत्सव मनाएंगे वो इसी कॉलेज के प्रांगण में मनाना चाहते हैं ताकि शिक्षा के महत्व को वो कॉलेज से बता सके। फेल हो जाएगा तो जश्न कैसे मनाएंगे? हाँ, इस पर सोचते हैं। आप चिट्ठी रखिए और जाइए। रमा, भीम की परीक्षा कितनी देर बाद खत्म हो जाएगी? समय क्यों? नहीं, मैं इसलिए कह रही थी कि आज का खाना मैं और शोभा मिलकर बनाएंगे, वही तो लेकर जाना। वाह, मैं और लक्ष्मी दीदी खाना बना लेंगे। पता है वो मुझे, लेकिन भीम की बुआ उसके लिए खाना नहीं बना सकती है क्या? बिल्कुल बना सकती है। तो बस आज हम जो बनाएंगे ना वही डब्बे में भर के लेकर जाना। नहीं, आप कल दे दीजिएगा, आज मेरे घर का खाना ले जाइए। जी, आप कौन? आपकी ही जाति का हूँ। अपमान, अत्याचार, अस्पृश्यता के दलदल में धंसा हुआ रोज जीने के लिए संघर्ष करता हूँ। बीच बीच में जब भीम की लड़ाई के बारे में सुनता हूँ तो राहत मिलती है। बस उसी राहत के बदले ये खाना लेकर आया हूँ, आप मना मत कीजिएगा। दीजिए। और हमारे आसपास के लोग भी कह रहे हैं कि वो भी खाना लेकर आएंगे। धन्यवाद जी, चलता हूं। रमा, आज भीम के लिए यही खाना लेकर जाना और भीम से कहना कि वो इनके जैसे कई अनजान व्यक्तियों के सपने साकार कर रहा है, इसलिए वो मन से परीक्षा दे और बहुत सारे अच्छे अंक लेकर आए। मैं शोभा को कह देती हूँ कि भीम के लिए खाना ना बनाए
रमा, कम से कम इस बात का संतोष कर लो कि तुम्हारा पति चाहे जहां भी रहे उसे ऐसे खाना खिलाने वाले बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। तुम्हारा पति कभी भूखा नहीं रहेगा। ये तो सही कहा आपने, वो कभी भूखे नहीं रहेंगे। मैं शाम को खाना लेकर आऊंगी, अभी चलती हूँ। रमा, तुमने कुछ खाया क्या? नहीं, घर जाकर खाऊंगी। घर में चाल में सब लोग ठीक है? सब अच्छे, आप बस अपनी परीक्षा पर ध्यान दीजिए। सही कह रही हो तुम रमा, अभी इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी यही है कि मैं अपने परीक्षा के ऊपर ध्यान केंद्रित करूं, क्योंकि इस परीक्षा में जितने नंबर आएंगे वही नंबर मेरे आने वाले भविष्य का आधार होंगे। आधार, तुम्हारा आधार तो पहले ही काट दिया मैंने भीमराव, क्योंकि तुम्हारी परीक्षा की कॉपी बदल दी गई और तुम फेल हो जाओगे। बकवास। तब ये क्या है सर? दरअसल सर, एक बार कॉपी आपने बदली और दूसरी बार कॉपी मैंने पलट दी और परिणाम ये हुआ कि भीमराव की असली कॉपी तो चली गई और आपकी ये नकली कॉपी यहां रह गई। क्या आप बकवास कर रहे हैं? कुछ भी कहेंगे सर, अंदेशा तो मुझे तभी हो गया था जब ज्योतिबा फूले संस्था की ओर से अनुरोध की चिट्ठी लेकर मैं आपकी केबिन में आया था। सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आइए। सर, ज्योतिबा फूले संस्थान से ये कॉलेज के नाम एक चिट्ठी आई है। सर, इसमें उन्होंने आज्ञा मांगी है कि ग्रेजुएशन का परिणाम आने पर भीमराव के पास होने का वे जो महोत्सव मनाएंगे वो इसी कॉलेज के प्रांगण में मनाना चाहते हैं, ताकि शिक्षा के महत्व को वो कॉलेज से बता सकें। हाँ, इस पर सोचते हैं। आप चिट्ठी रखें। सर, मुझे बहुत अटपटा सा लगा था, क्योंकि आपकी एक आदत है कि कोई भी नई चीज आपके सामने आए तो उसमें रोचकता दिखाने की, लेकिन सर उस चिट्ठी को तो आपने छुआ तक नहीं। और तभी मैंने आपके टेबल पर भीमराव की कॉपी को देखा। सर, मैं उसी समय समझ गया था कि आप कोई तो योजना बना रहे हैं भीमराव के विरुद्ध। और सर, फिर मैं आप पर नजर रखने लगा और मैंने देखा कि परीक्षा के बाद आपने इनसे भीमराव की कॉपी ली और अपनी नकली कॉपी इन्हें दे दी। जाइए, सारी कॉपी बांध दीजिए। जो सारी कॉपी को जांच सेंटर पे ले जाएगा वो आ ही रहा होगा। जाइए। जी सर। फिर सर, आपने उस कॉपी को कचरे के डब्बे में फेंका। अब मैंने उस कॉपी को कचरे के डब्बे से निकाल दिया। और सर, फिर मैं आपके पास आया था। आप उस समय सब कॉपी बांध रहे थे। लगा कर देखा,
फिर मैं भी देखता हूं। रमा ठीक कर रही है, जाओ रमा। और रहा सवाल टीम की परीक्षा का, तो उसके सिर्फ दो परीक्षा बची है, वो भी अच्छे से होगी, हर हाल में होगी। चलिए काकी, चलो। जाओ, मैं भी कॉलेज जाता हूं। वहीं रुक जाइए हितेश काका, अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सब लोग अपनी अपनी कॉपियां दे दो, लाओ चलो। अरे क्या कर रहा है, उठ आजा। जल्दी 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 जल्दी। भीमराव, समय खत्म हो गया है, लाओ अपनी कॉपी दो। मैंने कहा भीमराव कॉपी दो। सर, सर कल भी हमारी यही बात हुई थी ना, घंटा बजने के बाद भी 5 मिनट का समय होता है, लिखने दीजिए ना मुझे। अच्छा तो तुम ऐसे नहीं मानोगे, लाओ लाओ अपनी कॉपी दो। सर मेरी मेरी कॉपी दीजिए। ये क्या किया तुमने भीमराव? मैंने? सर आपने जानबूझकर मुझसे कॉफी छीनी और उसके बाद वो फट गई। मैंने क्या किया है सर? मैंने फाड़ी? हाँ, ये कॉफी मैंने फाड़ी। आक्षेप लगाते हो अपने शिक्षक पर, शर्म नहीं आती तुम्हें? बहुत बुरा हुआ बच्चों, चलो मुझे जाने दो, चलो। मेरी परीक्षा का क्या होगा सर? सर बहुत बुरा हुआ भीमराव, बहुत बुरा हुआ। हटिए रास्ते से, हटिए, बहुत बुरा हुआ, मेरे रास्ते से हटिए। बहुत बुरा हुआ भीमराव, हंस क्यों रहे हैं, मेरे रास्ते से हटिए आप। बहुत बुरा हुआ भीमराव, आप ऐसे नहीं मानेंगे ना। अरे जब इसने हमें छू ही लिया है तो इसे निकाल कर कॉलेज से बाहर फेंक देते हैं। हाँ सही कहा, फिर एक ही बार में करा लेंगे शुद्धिकरण। छोड़ो मुझे। तेरा संगी कोई नहीं, सब स्वार्थ बन पहले तो आपके सर ने भीम की कॉपी फाड़ दी और अब ये लोग भीम को ऐसे जबरन कॉलेज से बाहर ले जा रहे हैं। नाम जोशी सर, पहले जवाब किस पर दे, भीमराव की कॉपी कैसे फटी उस पर, या ऊंची जात के बच्चे उसे हैसियत बता रहे हैं उस पर? सर
ये बहुत ही गंभीर समस्या है। ऐसे बात मत कीजिए, कोई कार्रवाई कीजिए सर, कहीं ऐसा नहीं हो कि भीमराव के साथ कोई अनहोनी हो जाए। अच्छा ठीक है नामजोशी सर, पहले का उत्तर मैं दे देता हूँ और दूसरे का प्रिंसिपल सर दे देंगे। तो पहला सवाल, भीमराव की कॉपी कैसे फटी? बात यह हुई कि परीक्षा के बाद मैंने भीमराव से उसकी कॉपी मांगी। भीमराव हमेशा की तरह और लिखना चाह रहा था और इसी में जबरन उसने मुझसे कॉपी छीनी और कॉपी फट गई। और सर उसके बाद ये क्लास रूम से बाहर आ गए बाकी की कॉपीज लेकर, और जिस विद्यार्थी की कॉपी फट गई उसे कितना गुस्सा आया होगा। उसी गुस्से में वो ऊंची जात के स्टूडेंट के साथ उलझ गया होगा और वो सब उसे निकाल रहे हैं। इसमें मैं क्या कर सकता हूं? आप चाहे तो कुछ कर सकते हैं तो कर लीजिए। अरे भीमराव देखो देखो, अब तो परीक्षा की कॉपी ले जाने वाले सर भी आ गए, अब कुछ नहीं हो सकता। सर सारी कॉपियां बांधकर तैयार है। बस एक बार कॉपी ले जाने वाले टीचर आ जाए और सारी कॉपियां लेकर चले जाए फिर कोई कुछ नहीं कर पाएगा। फिर कराते रहे जांच, एक साल भीम का बर्बाद तो हो ही गया। सर बाहर बहुत भीड़ लगी। सर भीड़ नहीं तमाशा है। आप कॉपी लेकर जाइए, आप कॉपी लेकर जाएंगे तमाशा अपने आप बंद हो जाएगा। ऐसे सब खत्म नहीं हो सकता। रमा रमा कहाँ जा रही हो? अरे राम जी इतना भी नहीं समझ पाए, अब रोने के अलावा बचा क्या है? यहाँ भीम रो रहा है तो यहाँ से दूर जाकर रमा रोएगी। चलो भीम, आज तुम कमजोर पड़ रहे हो किंतु तुम्हारा ये गुरु तुम्हारे साथ है, चलो मेरे साथ। जाइए गुरुजी जाइए, आखिरी कोशिश कर लीजिए। तब तक हमने जो यहाँ ये भीमराव को स्पर्श किया है ना, उसका यही कॉलेज के बाहर सामूहिक शुद्धिकरण करेंगे और यही शुद्धिकरण की प्रक्रिया हमारे लिए उत्सव होगी। भीमराव को परीक्षा में फेल कराने का। जाइए जाइए। आज बेटे के लिए लड़ना ही होगा, लड़ना ही होगा। ले जाइए जल्दी से ये कॉपी। ठीक है आता हूं सर। मेरे बच्चे, इस शुद्धिकरण में हम भी तुम सबके साथ शामिल हैं। देखो जिस शुभ घड़ी का इंतजार था वो आ गई, प्रिंसिपल साहब आ रहे हैं।
जब तक मेरे पति के साथ जो हुआ है उसका हिसाब नहीं हो जाता, हमें न्याय नहीं मिल जाता, तब तक ये कॉपी लेकर कहीं नहीं जा सकते। हिम्मत है तुम सबकी इन्हें रोकने की? हिम्मत की बात मत कीजिए, जान दे दूंगी लेकिन अपने पति की परीक्षा व्यर्थ नहीं जाने दूंगी। अच्छा फिर मैं अभी पुलिस को सूचित करता हूँ कि छोटी जात के लोग यहाँ आकर हंगामा कर रहे हैं और तुम सबको पुलिस उठाकर ले जाएगी। बुलाइए साहब बुलाइए, दो वक्त की रोटी के लिए कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और अपना पेट काटकर भीम के लिए खाना लेकर गया था ताकि उसकी परीक्षा में अपना योगदान दे सकूं, उस योगदान को यूं ही व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। इस भीम ने न जाने कितनी बार हमारे लिए लड़ाइयां लड़ी है, इसलिए आज की लड़ाई हम लड़ेंगे भीम के लिए। बुलाइए आप पुलिस को। प्रिंसिपल साहब बिल्कुल मत डरिए, कुछ नहीं होगा, हम है ना, पर वैसे भी कुछ नहीं कर सकते हैं ये लोग। कुछ करना भी नहीं चाहते हैं हम, भीम को परीक्षा देने दीजिए वरना हम ऐसे ही हाथ पकड़कर खड़े रहेंगे। कुछ ज्यादा ही हिम्मत बढ़ गई है तुम सबकी, ठीक है फिर खड़े रहो ऐसे ही, और मैं अभी ऊंची जाके लोगों को बुलाता हूँ, फिर अगर खूनी संघर्ष होना है तो हो जाए। खूनी संघर्ष से डरते नहीं हम, और संघर्ष करने से भी डरते नहीं, जब से पैदा हुए हैं संघर्ष ही करते आए हैं। बुलाइए जिसको बुलाना है। देखिए मेरी एक परीक्षा के लिए ये सब हो रहा है, ये सही नहीं लग रहा है मुझे। नहीं भीम, जो हो रहा है उसे होने दो। और आप चिंता मत कीजिए, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, बाला भैया जिन्हें लाने गए वो आते ही होंगे। बस तब तक यहाँ से कोई कहीं नहीं जा सकता। कौन आ रहा है? आने दीजिए जो आ रहा है, आपको क्या फर्क पड़ता है, आप तो अपनी जगह सही है ना। मेरा ये भी कहना नहीं है कि इन्होंने जो कुछ भी किया है हमें उसे बस इसलिए नजरअंदाज करना चाहिए क्योंकि ये शिक्षक है। मैं बस इतना चाहता हूँ कि एक शिक्षक का तमाशा नहीं बनाना चाहिए, और इन्होंने जो अपराध किया है उस अपराध की सजा बंद कमरे के अंदर भी दी जा सकती है। न्याय हमें करने दो भीमराव, अगर तुम खुद को दोषी मानते हो तो चलो हमारे साथ, छोड़ देते हैं तुम्हारे प्रिंसिपल को। ठीक है मुझे ले चलिए आप। लीजिए सर, हो गया हमारा काम, गया भीमराव उनके साथ, बधाई हो। चलिए बाहर चलते हैं, सबकी शक्लें देखते हैं।
फैसला हो गया है, गलती भीमराव की है। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही है, हम भीमराव को बड़ोदरा ले जा रहे हैं। इसने झूठ बोला है और इसे सजा मिलनी चाहिए। नहीं महोदय, झूठा भीमराव नहीं, मैं हूं।